children, and welcome back in your history class. And children, I hope that you are feeling very happy, fit, fine and healthy. Children, I also hope that you are all watching video and listening the video also. चिल्ड्रन, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमने जो है इतिहास से आपका इतिहास सेक्शन से हमने जो है आपका चैप्टर 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमने शुरू किया है. पहला चैप्टर आपका जो इतिहास सेक्शन से है. सो चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मच ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. हमने इस चैप्टर का बहुत सारा जो शीर्षक है, टॉपिक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. हम जो है आज के इस लेक्चर में बच्चों जो है इस पार्ट को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. हमने लेकिन आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले शीर्षक को पढ़ने से पहले बच्चों, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द टॉपिक ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक्स वॉट एवर वी हैव डिस्कस अर्लियर इन द लेक्चर. यानी हमने जो पिछले लेक्चर में बच्चों जो टॉपिक हमने जो शीर्षक हमने पढ़ा था उसको पॉइंट्स में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप जो आगे के शीर्षक जब पढ़ेंगे बच्चों तो उसको समझने में आपको आसानी होगी. तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दोज टॉपिक वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. यानी प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा बच्चों उसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स में. ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सन 1815 के बाद अनेक क्रांतिकारी जो थे वो भूमिगत हो गए या अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया. और उनका मानना था कि राष्ट्र राज्यों की जो स्थापना है आज़ादी का एक अहम हिस्सा है. और इसी बीच इटली के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जियोत्सेप्पी मेत्तेसनी, जिनका जन्म सन 1807 में जिनेवा में हुआ था. 24 वर्ष की आयु की अवस्था में ही ये लिंगूरिया प्रांत में क्रांति करने के लिए मेत्तेसनी को बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी देश से निकाल दिया गया था. मेत्तेसनी ने अपने प्रयासों से उन्होंने दो भूमिगत संगठन बनाए जिनके नाम थे यंग इटली और यंग यूरोप. उसके इस संगठन के सदस्य एक समान विचार रखने वाले युवा पीढ़ी थे, यानी युवा थे. तो बच्चों मेत्तेसनी का ये मानना था, ये विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की जो है वो नेचुरल यूनिट है, यानी प्राकृतिक इकाई थी. इसलिए इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के रिस्ट्रिक्शन में या पाबंदी की तरह नहीं रह सकता था. उसे जोड़कर राष्ट्रियों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था. उनका ये लक्ष्य था कि इटली को छोटे छोटे राष्ट्रियों में बांटकर नहीं बल्कि सारे राष्ट्रों का गठबंधन करके एकीकृत गणतंत्र बनाना होगा. यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था. तो उसके इस मॉडल को देखा देखी बहुत सारे ऐसे जो यूरोप के देश थे जिन्होंने इस मॉडल को फॉलो किया, जैसे जर्मनी था, फ्रांस था, स्विट्जरलैंड और पोलैंड, उन्होंने भी क्या किया, देखा देखी इस मॉडल को गुप्त संगठन जो है वो उन्होंने भी बनाए. तो इस तरीके से जो है वो मेत्तेसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और गणतंत्रों के अपने सपने से मेत्तेसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया. अब बच्चों अगला टॉपिक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो था क्रांतियों का युग. इसमें हमने पढ़ा था कि सन 1830 से सन 1848 के मध्य अनेकों क्रांतियाँ हुई जिनमें मुख्यतः सन 1821 से होने वाला यूनान का संघर्ष और सन 1830 की फ्रांस की क्रांति थी. यानी इस युग में क्रांतियों में मुख्य भूमिका उदारवादी राष्ट्रवादियों की थी जो मध्य वर्गों के लोग थे, जैसे प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क आदि. और बच्चों उस 1821 में जो यूनान का संघर्ष हुआ वो था यूनान की आज़ादी के लिए संघर्ष था. यूनान में राष्ट्रवादी का जो है को निर्वासन में रह रहे जो यूनानी थे उनके साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति को के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे. और वहाँ के कवियों और कलाकारों का तो ये मानना था कि यूनान को वो यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उसकी प्रशंसा भी करते थे. तो उन्होंने क्या किया, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए उन्होंने जनमत इकट्ठा किया
और उन्होंने जो है वो यूनान की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया और 1801 और इसके जो है और जो है ये जो संघर्ष था बच्चों, बहुत सारे लोगों ने इस युद्ध में पार्टिसिपेशन किया, बहुत सारे कवि कलाकारों ने पार्टिसिपेशन किया, कवियों ने पार्टिसिपेशन किया। कवि में एक लॉर्ड बैरन थे जो इंग्लिश पोएट थे, जो अंग्रेज़ी कवि थे, उन्होंने भी धन इकट्ठा करके जो है वो युद्ध में लड़ने गए और 1824 में जो है उनकी वहाँ मृत्यु भी हो गई। और इस तरीके से युद्ध की विराम कब मिला, 1832 में कुस्तुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की मान्यता दी। तो बच्चों आज का टॉपिक है, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक राष्ट्रवादी भावना और रोमांचक परिकल्पना। इसमें हम रोमानी कल्पना के बारे में पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि रोमानीवाद या स्वच्छंदतावाद के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रोमांटिसिज्म, यानी हम इंग्लिश में कहते हैं उसको रोमांटिक इमेजिनेशन, यानी रोमानी कल्पना को इंग्लिश में हम कहते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन, और रोमांचक राष्ट्रीय भावना मीन्स नेशनल फीलिंग, और रोमांचक परिकल्पना मीन्स रोमांटिक इमेजिनेशन। और यहाँ पे बात हो रही है रोमानीवाद या स्वच्छंदतावाद को इंग्लिश में कहते हैं रोमांटिसिज्म। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट था रोमानीवाद का और रोमानी कल्पना का जो अवधारणा थी, वो राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसका क्या योगदान था, और इस रोमानीवाद में कौन कौन से ऐसे लोग थे, तर्कशास्त्री थे, फिलोसोफर थे, या रोमांटिक विचारक थे जिन्होंने, या कलाकार थे जिन्होंने इस रोमानी कल्पना को राष्ट्रवादी भावना का एक मजबूत जो है वो हथियार बनाया, हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो बच्चों इसमें क्या था कि जो राष्ट्रवाद, हम सिर्फ कहते नहीं कि हम क्रांति की बात कर रहे हैं, हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम क्रांति की बात करते हैं बच्चों, तो हम संघर्ष की बात करते हैं, तो हम स्ट्रगल की बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जो है वो स्ट्रगल किया या संघर्ष किया, या अपने संघर्ष से, अपने स्ट्रगल से जो है उन्होंने राष्ट्रवाद भावना को विकसित किया पूरे यूरोप में। अब बात हो रही है रोमानी कल्पना की। अब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्र विस्तार से ही नहीं हुआ, यानी हम सिर्फ क्रांति यानी जो राष्ट्रवादी भावना की जो एक परिकल्पना थी, जो एक अवधारणा थी, वो केवल युद्धों के द्वारा ही नहीं फली फूली और ना ही केवल क्षेत्र विस्तार से ही फैली, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कल्चर का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था राष्ट्र के विचारों को फैलाने में। अब जैसे बच्चों कह सकते हैं कला है, काव्य है, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, कहानी, किस्से, संगीत, इन क्षेत्रों ने भी, इन फील्ड ने भी, इन सारे चीज़ों का भी राष्ट्रवादी भावना को गढ़ने और उसे व्यक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका थी। क्या हम यूँ कह सकते हैं कि कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में मदद की, यानी सहयोग दिया। अब बच्चों अब ये भी कह सकते हैं हम कि अगर हम रोमानीवाद की बात करें, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, ये रोमानीवाद या रोमानी कल्पना है क्या बच्चों। तो ये हम कहिए कि ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक ख़ास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, या हम ये कह सकते हैं कि रोमानीवाद या स्वच्छंदतावाद, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन, यह कला साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का एक आंदोलन था जो यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ था या शुरू हुआ था। यानी यह कला साहित्य और बौद्धिक क्षेत्र में होने वाला एक ऐसा आंदोलन था जो यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में ही प्रारंभ हो चुका था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 19वीं शताब्दी में रोमानीवाद या रोमानी परिकल्पना का जो है फैलाव जो है वो पूरे यूरोप में हो चुका था, जो कि साहित्य, कला, भाषा के द्वारा जो है वो विकसित हुई थी। अब बच्चों आमतौर पर रोमानी कलाकार यानी रोमांटिक जो कवि थे या रोमांटिक पोएट्स हैं, रोमांटिक आर्ट जो कलाकार थे,
और कवि थे, उन्होंने तर्क वितर्क से, उन्होंने क्या किया, अपने तर्क वितर्क से और विज्ञान के, उन्होंने अपने तर्क वितर्क से, अपने आर्गुमेंट से, अपने लॉजिक से विज्ञान के जो महिमा मंडन की आलोचना की। उन्होंने जो है वो अपने काव्य में, जो पोएट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं बच्चों, वो भावनाओं पर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, भावनाओं को जो है वो ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करते हैं या दर्शाते हैं अपने काव्य में, अपनी जो है रचना में। तो उनके लिए विज्ञान जो है महज एक परिकल्पना थी, महज एक इमेजिन, एक जो कह सकते हैं कि विज्ञान का उनके काव्य में बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो उन्होंने जो है भावना को जो है आधार बनाया और इसीलिए उन्होंने विज्ञान के महिमा मंडन की बहुत सारी आलोचना की। और उसकी जगह उन्होंने उसकी जगह किन चीज़ों को उन्होंने रखा, भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर उन्होंने इन चीज़ों को उसकी जगह पर रखा। विज्ञान की महिमा मंडन की बढ़ोतरी या उसका प्रशंसा करने के बजाय विज्ञान की महिमा मंडन की उन्होंने आलोचना की और भावनाओं को और अंतर्दृष्टि को और रहस्यात्मक भावनाओं को उन्होंने ज़्यादा जोर उस पर दिया। और इन रोमानी कलाकारों का यह प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति, सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए, यानी एक कलेक्टिव हेरिटेज सेंस हो और एक कॉमन कल्चरल पास्ट। यानी उन्होंने क्या किया, राष्ट्र का आधार उनका ये मानना था और उनका ये पूरी तरीके से उनका ये प्रयास था, एफर्ट था, वो इस तरह पूरे प्रयत्नशील थे कि वो चाहते थे कि राष्ट्र का आधार जो है एक साझा सामूहिक विरासत हो और एक साझा सांस्कृतिक कल्चर हो, यानी एक कॉमन कल्चर हो, एक कॉमन जो है वो सामूहिक विरासत हेरिटेज हो जिसको सभी लोग मानते हो, जिसमें देश के रहने वाले सभी लोग जो है उस चीज़ को मानते हो, उसमें विश्वास रखते हो, इन चीज़ों को जो है वो राष्ट्र का आधार बनाया जाए। यानी बेसिस ऑफ नेशन क्या होना चाहिए, उनका मानना था कि कलेक्टिव हेरिटेज सेंस होना चाहिए और एक कॉमन कल्चरल पास्ट होना चाहिए। यानी कलेक्टिव हेरिटेज सेंस मीन्स बच्चों एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और कॉमन कल्चरल पास्ट माने एक साझा सांस्कृतिक मतलब अतीत, ये दोनों चीज़ जो है वो राष्ट्र का आधार होना चाहिए। अब बच्चों इसी फील्ड में बहुत सारे ऐसे रोमांटिक विचार थे, जैसे कि जर्मनी के तर्कशास्त्री जोहान गॉटफ्रिड हर्डर, 1744 से लेकर 1803 तक इनका था पीरियड। उनका ये मानना था बच्चों, उन्होंने ये दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति जो है उसके आम लोगों में निहित होती है। यानी उन्होंने कहा कि संस्कृति का सही स्वरूप जो है वहाँ के आम लोगों में ढूंढा जा सकता है। उन्होंने आम लोग यानी ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये शब्द है जो बेटा आम लोग, इसको उन्होंने जर्मन भाषा में बताया है दास वॉक, यानी DASWOLK दास वॉक, यानी इन्होंने जर्मन भाषा में तो आम लोगों को जर्मनी की भाषा में दास वॉक कहते थे, DASWOLK, जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल यानी आम लोग। तो उनका मानना था कि जर्मनी की जो सच्ची संस्कृति है वो उनके आम लोगों में ही निहित थी, आम लोगों में ढूंढा जा सकता था। और राष्ट्र को और राष्ट्र शब्द को, यानी जो नेशन वर्ड है, जो राष्ट्र शब्द है, उसको जर्मन भाषा में उन्होंने लिखा वॉलजिस्ट, यानी जिसका मतलब होता है नेशन, जिसका मतलब होता है राष्ट्र, यानी वॉलजिस्ट, VOLKGEIST। ये वॉलजिस्ट जो था उसका मतलब होता है नेशन यानी राष्ट्र। और उन रोमांटिक विचारकों का ये मानना था बच्चों कि जो जर्मनी की जो सच्ची संस्कृति है वहाँ के आम लोगों में निहित थी और राष्ट्र की सच्ची आत्मा जो है वो लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों में प्रकट होती थी। यानी उनको कहना क्या मतलब कि जो जर्मनी की जो रियल कल्चर, जर्मनी का जो रियल कल्चर है, सच्ची संस्कृति है, वो वहाँ के आम लोगों में देखा जा सकता था या आम लोगों में निहित थी, और राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा होती है वो उसके लोकगीतों में, जनकाव्य और लोक नृत्यों में निहित होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इस स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था।
इसलिए इन सब चीज़ों को एकत्रित करना, यानी संस्कृति के सारे स्वरूपों को एकत्रित करना, फिर उनको अंकित करना अपने काव्यों में, अपने साहित्यों में, अपने जो कविताओं में, तो उन ये राष्ट्र निर्माण की एक योजना के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए एक आवश्यक चीज़ बन गया था, यानी आवश्यक तत्व बन गया था। अब बच्चों ये स्थानीय, इसके साथ साथ बच्चों स्थानीय बोलियों पर भी पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल क्या था कि प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना था। बल्कि ये हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को, जैसे स्थानीय बोलियों पर बल देना या स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने, केवल प्राचीन संस्कृति को वापस ही नहीं लाना था बल्कि आधुनिक राष्ट्र संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना भी था, जिनमें से अधिकांश जो थे वो इलिटरेट थे, यानी निरक्षर थे, यानी अशिक्षित थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन तक राष्ट्रीय भावना को इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो पहुंचाना था, बताना था। इन विचारकों का ये प्रयत्न था। और बच्चों यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो केवल जैसे यहाँ पर एक पोलैंड का हम उदाहरण लेते हैं कि पोलैंड में ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ें लागू होती थी, जिसका 18वीं सदी में क्या हुआ था, अंत में 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी जो शक्तियां थी, इनको ग्रेट पावर्स कहते थे, यानी महान शक्तियां कहते थे, बड़ी शक्तियां कहते थे इनको, ग्रेट पावर्स कहते थे। तो इन ग्रेट पावर्स ने, इन बड़ी शक्तियों ने, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने जो है 18वीं सदी के अंत में पोलैंड पर अपना कब्जा कर लिया और उसका विभाजन कर दिया था। अब फिर भी पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र में तो नहीं था, लेकिन संगीत और भाषा के जरिए वहाँ पर राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। हालांकि पोलैंड पे इन तीनों, इन शक्तियों का, इन बड़ी शक्तियों का कब्जा था और वहाँ पे उनका अपना कुछ नहीं हो गया था, विभाजित हो गया था वो, लेकिन वहाँ पे गीतों, संगीतों और भाषा के ज़रिए जो है राष्ट्रीय भावना जो है वो विकसित की गई थी। और जैसे वहाँ पे क्या था कि जैसे उन्होंने कैरोल कुपरस्की ने, ये जो कैरोल कुपरस्की एक संगीतकार थे और इन्होंने अपने राष्ट्र संघर्ष का किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने ओपेरा मैंने, जैसे आपका कॉन्सर्ट होता है, सिंगिंग कॉन्सर्ट होता है या सॉन्ग कॉन्सर्ट होता है, जहाँ पे बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस होते हैं या सिंगर्स होते हैं, गायक होते हैं या नृत्य करने वाले लोग होते हैं, वो एक कॉन्सर्ट प्रेजेंट करते हैं। तो ये उन्होंने अपने इस तरह के ओपेरा में बहुत सारे ऐसे संगीत और कविताएं या गाने या गीत उन्होंने प्रस्तुत किए जिसपे, और लोक नृत्य प्रस्तुत किए जिसके द्वारा राष्ट्र भावना को दिखाया गया था। तो बच्चों ये था आपका, तो उन्होंने तो इस तरह की चीज़ें जो है रोमानी कल्पना के अंदर जो है वो, ये रोमानी कल्पना या रोमानीवाद या स्वतंत्रतावाद जो है उसने अपनी बड़ी भूमिका निभाई राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में यूरोप में 19वीं सदी में। नाउ चिल्ड्रन, अब इस राष्ट्रीय भावना को, इसी रोमानीवाद में हम बात कर रहे हैं, अगर रोमानी कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों भाषा ने भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उसने राष्ट्रीय भावना को विकास में, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका भाषा ने में भी निभाई, यानी हम कह सकते हैं कि भाषा का योगदान था इसमें। अब इसमें क्या था बच्चों कि रूसी कब्जे के बाद पोलैंड की बात करते हैं, पोलैंड का उदाहरण लेते हैं, यूरोप का छोटा सा देश पोलैंड के बारे में बात कर रहे थे हम, जहाँ पे ये ग्रेट महान शक्तियाँ जो रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने कब्जा कर लिया था और पोलैंड को विभाजित कर दिया था। वहाँ पे रूसी कब्जे के बाद क्या हुआ बच्चों कि पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया था, यानी जो पोलिश भाषा थी यानी पोलिश लैंग्वेज जो थी वो वहाँ से स्कूलों में से वहाँ उसको जबरन हटा दिया गया था और रूसी भाषा को हर जगह जो है जबरन यानी ज़बरदस्ती जो है वो लादा गया था। 1831 में क्या हुआ, रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ रूस के विरुद्ध में, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया, यानी 1831 में क्या हुआ, इसके खिलाफ संघर्ष तो शुरू हुआ लेकिन उसको दबा दिया गया। अब इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को अपना हथियार बना लिया, यानी चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया,
यानी इन्होंने क्या किया, जब सशस्त्र यानी जब शस्त्रों से काम नहीं चला, जब शस्त्र लेकर ये विद्रोह करने निकले, संघर्ष करने निकले बच्चों, तो उनको दबा दिया गया। तब इन्होंने क्या किया, भाषा को अपना जरिया बनाया और उन्होंने क्या किया कि चर्चों में या जहाँ पर उनका मास्क होता था या उनके चर्च के आयोजन में और सारे संपूर्ण शिक्षा, धार्मिक शिक्षा में पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, यानी पॉलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया जाने लगा। इससे क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो रूसी ग्रेट पावर्स ये महान शक्तियों द्वारा बहुत सारे चर्च, बहुत सारे पादरियों और बिशपों को जो है वो जेल में डाल दिया गया और रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। उन्हें सज़ा के तौर पे वहाँ से देश निकाला दे दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था और उसकी जगह पे उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा यानी पॉलिश लैंग्वेज को उन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया था, अपनाना शुरू कर दिया था और राष्ट्र भावना को जीवित करना मतलब वो उसको बढ़ा रहे थे, विकसित कर रहे थे। तो पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी, यानी ये पॉलिश भाषा जो थी वो रूसी भाषा के विरुद्ध जो है राष्ट्र भावना को फैलाने वाली एक स्रोत के रूप में जाने जाने लगी। यानी इस पॉलिश भाषा यानी पोलैंड यानी पॉलिश लैंग्वेज को जो है हम पॉलिश लैंग्वेज को एक आधार मान सकते हैं कि ये भी एक हथियार बना राष्ट्र भावना को विकसित करने में। बच्चों अगला टॉपिक आपका है भूख, कठिनाइयाँ और जनविद्रोह, यानी भूखमरी, कठिनाइयाँ और लोगों का विद्रोह। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि 1830 के दशक में ये ऐसा दौर था, एक ऐसा दशक था, एक ऐसा टाइम था बच्चों, जब राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो फल फूल रही थी, पूरी तरीके से यूरोप में फल फूलने लगी थी। लेकिन 1830 का ये जो दौर था, जो दशक था, यूरोप में बहुत भारी कठिनाइयों को लेकर भी आया। जैसे कि 19वीं सदी के प्रथम भाग में यानी पहले 19वीं सदी के शुरुआत में, प्रारंभ में ही पूरे यूरोप में जनसंख्या की बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में जो है वो रोज़गार कम था और नौकरी ढूंढने वाले जो है उनकी संख्या ज़्यादा थी। अब यहाँ पे क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव में रहने वाले लोग थे वो शहर में पलायन करने लगे, यानी शहर जाकर भीड़ में गरीब बस्तियों में रहने लगे। अब नगरों के जो छोटे उत्पादक थे, जो नगरों के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाले थे, जो लघु उत्पादक थे, उनको अक्सर इंग्लैंड से आयातित यानी इंग्लैंड से जो मशीन से बने जो सस्ते कपड़े थे उनसे कंपटीशन भी करना पड़ता था। अब इंग्लैंड में जो कंपटीशन ये तो था कि जो छोटे उत्पादक थे वो इंग्लैंड से बनी मशीनों के कपड़े से उनका कंपटीशन भी था, क्योंकि वो कपड़े ज़्यादा अच्छे होते थे, ज़्यादा बेस्ट होते थे। अब यहाँ दूसरी चीज़ ये थी कि इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत पीक पॉइंट पे था, बहुत ही चरम सीमा पे था। तो यहाँ पे जो ये कंपटीशन था छोटे लघु उत्पादकों और औद्योगिकरण की वजह से मशीनों, बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूरोप में था और जिसकी वजह से कठिनाइयाँ हो रही थी लोगों को। अब यहाँ पे क्या था कि जो अब यूरोप में जहाँ पे कुलीन वर्ग रहते थे, जहाँ पे उन इलाकों में जहाँ पे कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे बच्चों, वहाँ किसानों को सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ वो दबे हुए थे। यानी जहाँ पे कुलीन वर्ग सत्ता में थे वहाँ किसान वैसे ही उनका शोषण हो रहा था, वैसे ही उनको फेडरल ड्यूज यानी सामंती कर देना पड़ता था, यानी बड़े बड़े जमींदारों को जो है वो कर देना पड़ता था, उनको शुल्क देना पड़ता था। तो और खाने पीने की चीज़ें जो थी उनके जो कॉस्ट थी, उनका जो मूल्य था वो बढ़ रहा था। साथ ही साथ अगर फसल खराब, किसी वर्ष अगर फसल खराब हो जाती थी तो वहाँ गांव और शहर दोनों में जो है वो गरीबी फैल जाती थी। इसका एक घटना हुई थी बच्चों, उस घटना में हम आपको बताएंगे कि 1845 में सिलेसिया में एक घटना हुई थी। वहाँ पे क्या था बच्चों की जो किस तरीके से वहाँ पे बुनकरों ने जो है वो क्या कहते हैं विद्रोह किया था, उससे पहले हम आपको बताएंगे, हम सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 1845 में सिलेसिया में जो बुनकर थे उन्होंने मतलब ये सारी कठिनाइयाँ जो हो रही थी बच्चों, ये सारी जो दिक्कतें हो रही थी ये कहीं ना कहीं तो समाज में, फ्रांसीसी समाज में या फ्रांसीसी समाज में रह रहे लोगों पे तो असर पड़ रहा था। ज़्यादातर यानी अधिक
यानी इस कह सकते हैं मुख्यतः किसानों पे, गरीब किसानों पे, गरीब वर्ग के लोगों पर, तो उसका असर तो होना ही था, तो विद्रोह तो होना ही था। तो 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। सिलेसिया एक छोटा सा प्रोवाइंस है फ्रांस में, बच्चों नॉट फ्रांस में कहेंगे इसको, फ्रांस में नहीं है ये, यूरोप में ही कह सकते हैं कि यूरोप में ही है। मैं आपको छोटा सा एक छोटा सा प्रोवाइंस है सिलेसिया। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि इन्होंने ठेकेदारों के ख़िलाफ़ जो है विद्रोह कर दिया। वो ठेकेदार क्या करते थे कि कच्चा माल देकर जो है वो कपड़ा लेते थे, लेकिन उसके दाम बहुत कम थे। यहाँ पे ये घटना ऐसी थी बच्चों की, सिलेसिया एक गाँव है, प्रांत भी कह सकते हैं हम, एक गांव भी कह सकते हैं। सिलेसिया एक गांव है जहां पे ये घटना हुई कि वहां के बुनकरों ने विद्रोह किया। यहां पे क्या था कि इस गांव में 1800 बच्चों, यहां पे आबादी 18,000 आबादी वाले लोग, सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे ज़्यादा यहां पे था कि सूती कपड़ा बनाते थे बुनकर। यहां पे श्रमिकों की हालत बहुत खस्ता थी। काम के लिए लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार जो है, ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें जो हैं वो गिरा दी। घटना तब हुई बच्चों कि 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और कतार में चलते हुए ठेकेदार के कोठी पहुंच गई। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहे थे। उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, तो कभी धमकियां दी गईं। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई, यानी बुनकरों की भीड़ जो थी वो ज़बरदस्ती घर में घुस गई और चमचमाती उनके घर जो खिड़कियां थी, फर्नीचर थे, चीनी मिट्टी के बने बर्तन थे, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनकी तोड़फोड़ करना उन्होंने शुरू कर दिया, तोड़फोड़ दिया। फिर एक अन्य जो ग्रुप था, एक गुट था, उसने वो भंडार गए जहाँ पे अनाज रखे थे वहाँ पे घुसकर, और जहाँ कपड़े और अनाज रखे थे वहाँ घुसकर कपड़ों को के भंडार को लूट लिया, अनाज के भंडार को लूट लिया और कपड़ों को फाड़ चीट कर तार तार कर दिया। अब ठेकेदार जो थे वो बहुत डर गया और अपने परिवार के साथ वो पड़ोस के गाँव में भाग गया। हालांकि उस गांव ने उनको शरण देने से इनकार कर दिया था और वह 24 घंटे के बाद जो है, इतनी तोड़फोड़, इतना वायलेंस, इतना जो है वो करने के बाद, हिंसा करने के बाद बच्चों, इतना हिंसा होने के बाद 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उनकी मदद से ठेकेदार अपने गांव लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उससे 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। ये एक छोटी सी घटना थी जो ये शो कर रहा था कि लोगों में विद्रोह शुरू हो चुका था और वो इन जो है वो बुराइयों के खिलाफ वो लड़ने के लिए तैयार थे, और उन्होंने उसका एक एग्जांपल अभी उदाहरण में बताया। अब बच्चों क्या हुआ कि 1845 के बाद ये सब विद्रोह चल ही रहे थे, क्योंकि 1848 में क्या हुआ कि खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए, जगह जगह जो अवरोध लगाए गए, और लुई फिलिप यानी जो वहाँ का राजा था, फ्रांस का जो राजा था लुई फिलिप, उसको भागने पे मजबूर किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि वहाँ पर नेशनल असेंबली यानी राष्ट्र सभा का जो है, जब राष्ट्र सभा का जो है गठन हो चुका था बच्चों, और तो ये नेशनल असेंबली, ये राष्ट्र सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर यानी 21 साल से ऊपर सभी एडल्ट पुरुषों को, यानी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, यानी मत देने का अधिकार प्रदान किया और काम की गारंटी भी दी। यानी नेशनल असेंबली ने कुछ सुधार किए, जो ये सुधार थे कि उन्होंने गणतंत्र की घोषणा कर दी और 21 वर्ष से ऊपर सभी को जो है वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया और काम के अधिकार की गारंटी भी दी और रोजगार उपलब्ध कराने का वादा भी किया और उसके लिए राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित किए गए। तो ये था बच्चों, तो यहाँ पे लोगों को काम में मतलब सारी चीज़ें, ये सुधार जो वो 1848 में नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन के बाद हुआ और नेशनल असेंबली यानी राष्ट्र सभा ने ये सुधारात्मक घोषणा जो है वो की। तो बच्चों आज हम यहीं बंद करते हैं और अगले सेशन में, अगले लेक्चर में जो है आगे के शीर्षक को हम पढ़ेंगे और इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देखेंगे और ज़रूर सुनेंगे। आप वीडियो अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा भी, पॉइंट्स में मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। और बुक को, अपनी पुस्तक, अपने चैप्टर को, अपने पार्ट को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय।